क्लास 12th ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज किया है और उसी को हम देख रहे हैं। ये सेक्शन 2 यहां पर है। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। अब ये ग्राफ को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो 2 से लेकर 7 तक है और वाई एक्सिस में 1 से लेकर 6 तक है और ये प्लॉटिंग अपने आप हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं मैट प्लॉट लिब, मैथ प्लॉटिंग के लिए लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट, पाइथन से SPLT या PLT से काम करेंगे। तो PLT डॉट प्लॉट, प्लॉट क्या करेंगे, यहां पर 2,7 हो गया एक्स एक्सिस के लिए, यहां से यहां तक कॉमा देंगे ब्रैकेट में, फिर 1, 2, 6 यानी कि वाई एक्सिस का लिखेंगे और फिर उसके बाद जब प्लॉट बन जाता है उसको शो किया जाता है तो PLT डॉट शो कर देंगे। एक और तरीका है इसमें, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ये बिल्कुल सेम लाइन रहेगी। ए में आप दे रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, मतलब यहां से यहां तक बना रहे हैं, और बी में आप देख रहे हैं दे रहे हैं 2 से लेकर 7 तक, और PLT डॉट प्लॉट ए कॉमा बी। तो यहां थोड़ा सा मसला हो गया है क्योंकि आप एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस पहले देते हैं और वाई एक्सिस देते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। असली जो ये बेसिकली आंसर आपको दिया गया है NCERT CBSE ने ही दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बी कॉमा ए, पहले ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के लिए फिर वाई आ जाएगा। ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो आप देखिएगा यहाँ क्लास है ना, ये 10th है, 9th है, यहां पर 8th है, 7th है। तो हम 7 से लेकर, पहले ये बता देता हूँ इम्पोर्ट क्या करना है। इम्पोर्ट करना है सेम चीज जो हमने पहले की थी, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT। उसके बाद हम क्लासेस बनाएंगे यहां से लेकर यहां तक, ये हम क्लासेस बनाएंगे तो चारों को दर्ज कर दीजिए यहां पर, एक यहां पर लिस्ट बनेगी और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स करेंगे। स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब इसको देखिएगा, स्टूडेंट्स में आपको यहाँ पर मार्किंग करनी पड़ेगी, ये नंबर नहीं दिए हुए है। तो आप देखें इसका पहले वाले का, ये 7th वाले का कितना है, यहाँ पर देखिएगा ये 40 है तो यहाँ लिख दिए 40। ये कितना 8th कितना है, यहाँ से तकरीबन ये 45 बन रहा है, 45 45 लिख दीजिए। अब 9th पे आइए, 9th पे अगर ऐसे हम करेंगे तो तकरीबन ये 30 30 35 पे आ रहा है यहाँ पे, तो 35 लिख दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिएगा ये थोड़ा सा इसके नीचे है तो यहाँ पर अगर 44 है तो ये बनेगा आपका 40, ये 45 है तो ये बनेगा 44, या 44 लिख दीजिए। तो इसके संबंधित एक नंबर, इसमें नंबर में कोई ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा इसको 43 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप प्लॉट करेंगे क्योंकि ये बार है तो यहाँ बार करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्स पे क्या है, क्लासेस है तो आप क्लासेस लिख देंगे। अब ये अपने बना दिया है तो यहाँ 23 साथ ये प्लॉटिंग हो जाएगी, और स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे तो ये वाली प्लॉटिंग हो जाएगी 40 से लेकर 44, और PLT डॉट शो कर देंगे। एक रिलेशन दिया हुआ है, व्हीकल इज गिवन बिलो, अ रिलेशन व्हीकल्स इज गिवन बिलो। इसमें राइट SQL कमांड्स, अब SQL कमांड लिखना है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद में आपको पहले कमांड दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिखा हुआ है। देखें, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल। तो जहां पर आपका ईच आ जाता है वहां मैंने आपको बताया था ग्रुप बाय लग जाएगा, ठीक, ओके। एवरेज प्राइस है इसके, इसका मतलब यह है कि हमको इसमें एवरेज एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले एवरेज प्राइस, तो AVG प्राइस, अब यहां देखिएगा व्हीकल नंबर है, टाइप है, कंपनी है, प्राइस है क्वांटिटी, तो एवरेज प्राइस, ये प्राइस में AVG लगा देंगे, ये एवरेज प्राइस हो गया। उसके बाद कहा है ऑफ ईच टाइप, तो आपको सिलेक्ट में टाइप लेना पड़ेगा ताकि आप उसका ग्रुप बाय में यूज कर सके, और क्योंकि टेबल तो एक ही है आपके पास, ये जो आप टेबल देख रहे हैं रिलेशन व्हीकल्स, तो आप फ्रॉम व्हीकल करेंगे और ग्रुप बाय, जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने कहा ईच टाइप ऑफ व्हीकल, तो ग्रुप बाय टाइप कर देंगे क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ सिलेक्ट में टाइप लिया है। और फिर अगली चीज कही हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20, हैविंग Q2Y, QTY या क्वांटिटी है जिसकी भी 20 से ऊपर होगी वो यहां पर आ जाएगा, उसका ग्रुपिंग जो होगी वो इस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सिलेक्ट टाइप एवरेज प्राइस फ्रॉम व्हीकल, एक बार इसका मतलब ये है कि यहां पर जो रिजल्ट आएगा उसमें यहां पर आएगा टाइप, यहां पर आएगा आपका एवरेज प्राइस, ऐसे लिख के आएगा AVG प्राइस, ऐसे लिख के आएगा ना, ये आ गया फ्रॉम व्हीकल। फिर यहां से केवल 2 कॉलम निकल के आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, नहीं टाइप, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये दोनों कॉलम निकल के आएंगे। फिर हमने ग्रुपिंग कर दी इसकी व्हीकल टाइप के साथ, तो व्हीकल टाइप से अगर ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि वेगन 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 एक ही है,
जीप जी एक ही आ रहेगा आएगा, एसयूवी एसयूवी ये भी एक ही बार आएगा क्योंकि दो बार है तो ग्रुपिंग हो जाएगी एसयूवी एसयूवी एक बार, और मिनिमम वैन मिनी वैन। तो ये क्या होगा क्योंकि इसके अमाउंट अलग अलग है, यहाँ का नंबर अलग है, यहाँ का नंबर अलग है मिनी वैन का, तो ये ऐसा आएगा। जैसे अगर एक टेस्ट आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो इसके आएगा वेगन, जीप, एसयूवी, एसयूवी, दो चीज और बढ़ा दूंगा इसमें, और यहां पर आएगा मिनी वैन ऐसा, और इससे संबंधित जो भी यहां पर प्राइजेस होंगे वो यहां पर आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा, लेकिन वही आएंगे जो 20 से ऊपर होंगे। 20 से ऊपर कौन कौन से, आपका 25, इसका मतलब केवल ये वाला आना है वेगन 25, जीप 15 ये नहीं आएगा, एसयूवी ये वाला एसयूवी नहीं आएगा, और ये मिनी वैन आ जाएगी, ये एसयूवी भी नहीं आएगा, और ये मिनी वैन ये नहीं आएगी। तो केवल आपका जो जो 20 से ऊपर वही आएंगे, बाकी जो मैंने हटा दिए वो हट जाएंगे। अब हम आते हैं सिलेक्ट ये वाला, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। जहां आपने ईच कंपनी की बात की, जहां ईच जहां बात कर देना है ईच टाइप ईच कंपनी, इसका मतलब ये ग्रुपिंग के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ईच कंपनी ग्रुपिंग इस पे करनी है, तो आपको सिलेक्ट में कंपनी लेनी ही पड़ेगी, तो सिलेक्ट कंपनी। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है काउंट द टाइप, तो काउंट। अब यहां पर डिस्टिंक्ट टाइप कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट टाइप मतलब ये हो रहा है कि वो जो अलग अलग टाइप के हैं उसको हमको काउंट करना है, इसीलिए हमको डिस्टिंक्ट टाइप मतलब ये एसयूवी अलग हो जाएगा, ये एसयूवी अलग हो जाएगा, इसको इसका काउंट टाइप हो गया। फ्रॉम कहाँ से, व्हीकल आपके जो टेबल है उससे, और ग्रुप बाय, जैसे मैंने कहा ईच कंपनी तो ग्रुप बाय कंपनी कर दीजिए। फिर उसके बाद है डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल। तो अब क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ व्हीकल। अब प्राइस इसकी ये है, जैसे किसी भी चीज का प्राइस अगर 10 रुपए है और क्वांटिटी आप बोलेंगे 10, ये 10 इसकी क्वांटिटी है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 10 × 10, 10 सामान है, एक का प्राइस 10 रुपए है, तो 100 आ जाएगा इसका। तो बेसिकली हमको प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है और सम करना है इसका, क्योंकि इन्होंने कहा डिस्प्ले द टोटल प्राइस। तो सिलेक्ट टाइप, ऑल द टाइप्स कहा है इन्होंने, तो सिलेक्ट टाइप और सम प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, सम आ गया। टेबल तो आपको व्हीकल ही रखना है, और ग्रुप बाय करेंगे टाइप, जहां भी आपको ऑल टाइप ईच टाइप मिलेगा इसका मतलब आपको ग्रुपिंग करनी है, किस पे ग्रुपिंग करनी है, जो ऑल टाइप ईच टाइप ये देंगे। अगला सवाल है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले यहां देखिएगा कि हमने इंपोर्ट किया पांडास को एस पीडी, और उसके बाद पीडी का बाद में यूज करेंगे, लेकिन पहले आप एक डिक्शनरी बनाइए इससे D1। यहां पर आपने क्या किया कि भाई ये जो BNO है उसमें 1, 2, 3, 4 यहाँ दे दिया, BNO करना है, मैं बता देता हूँ एक, बाकी उसको ऐसे करना है। जैसे बी नंबर है तो BNO करेंगे, कोलन लगाएंगे, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका। उसके बाद कॉमा लगा के इसी तरीके से बाकी नेम के साथ ये 4 ये हो गया, फिर स्कोर के साथ ये 4, स्कोर 1 के साथ ये 4, स्कोर 2 के साथ, बिल्कुल इसी फॉर्मेशन में आप यूँ लिख देंगे और ब्रेसेस फिर बंद कर देंगे। तो आपका D1 बन गया। अब इस D1 को आप पास कर देंगे इस डेटा फ्रेम में, ठीक है जी, इसको आप पास कर देंगे डेटा फ्रेम में। तो आपका ये हो गया पीडी डॉट, ये जो पीडी आपने बनाया था पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसको D1 को इसमें पास कर दिया DF, अब आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। प्रिंट करा दीजिए डेटा फ्रेम को। अब है एड बोथ दी स्कोर्स ऑफ बैट्समैन एंड असाइन टू टोटल कॉलम टोटल। तो स्कोर 1 स्कोर 2 को ऐड करना है, तो अब आपका DF तो बन ही चुका है, तो DF सीधा यहां पर कॉलम लीजिए, DF स्कोर 1 प्लस DF स्कोर 2, और सीधा आप DF टोटल में इसको रख दीजिए। तो यहां पर असाइन टू अ कॉलम, तो एक नया कॉलम बनेगा यहां पर टोटल करके, और उसमें इनका टोटल आएगा, जैसे इनको इनको जोड़ के ऐसे यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। इसका एक ऑल्टरनेटिव उत्तर भी दिया गया है यहां पे, अब देखिए इसका ऑल्टरनेटिव उत्तर क्या है, इसमें है DF टोटल इक्वल्स ये सम है, सम सम के अंदर आप ब्रैकेट में DF स्कोर 1 ये वाला और DF स्कोर 2 ये दे सकते हैं, दोनों ही एक बात है, प्रिंट करा दीजिए DF को। उसके बाद क्या कहा गया, डिस्प्ले दी, ये दूसरा वाला कर रहे हैं, डिस्प्ले दी हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 एंड स्कोर 2 ऑफ द डेटा फ्रेम। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप करेंगे मैक्सिमम दिखाना है आपको, तो डिस्प्ले तो हम करा ही रहे हैं, खैर डिस्प्ले तो डेटा फ्रेम हम कर ही चुके हैं, वो तो हमने प्रिंट DF करके और यहां पर प्रिंट DF करके ये कर ही दिया। अब जो हाईएस्ट स्कोर की बात हो रही है उसमें क्या किया, प्रिंट मैक्सिमम स्कोर, सो इसमें मैक्स
जैसे ये किया था बिल्कुल कॉमा लगा के ना, तो डीएफ स्कोर वन कॉमा मैक्स डीएफ स्कोर टू, तो यहां पर आप मैक्स करके इसका और इसका दोनों का मैक्स निकालेंगे तो आपको मैक्स स्कोर आ जाएगा, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये है या ये है, राइट। इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, डिस्प्ले द हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर वन एंड स्कोर टू, तो आपको इसमें मैक्स में पहला और दूसरा डालना है और जो मैक्सिमम आएगा वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ बोथ, इसमें दोनों में जो हाईएस्ट स्कोर है, जैसे 90-80 में से कौन सा ज्यादा है आपका, जैसे 90 आएगा, ऐसे करके ये शो हो जाएगा। अगला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। चलिए, इसमें है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करंट डेट। अब देखिए ये जो सवाल है इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, लेकिन जो अगला सवाल है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है ना, तो ये आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमको डिस्प्ले कराना है नाम मंथ का, करंट डेट का। तो आप सबसे पहले यहां पर डेट नाउ, डेट के अंदर नाउ करेंगे, इससे आपको पूरा कंटेंट आ जाएगा, और उससे मंथ निकालना है तो मंथ नेम ये फंक्शन है। तो पहले तो आपको सारा कुछ निकालना पड़ेगा डेट नाउ से, ये हम पहले भी एक सवाल में देख चुके हैं, मंथ नेम से मंथ निकल के आएगा। टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसके पहले स्पेसेस है, इसके बाद में स्पेसेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं, तो ट्रिम के अंदर ये डाल दीजिए, ये सब ट्रिम होकर आ जाएगा, जैसे बाल ट्रिम करते हैं ना उस तरीके से ये पोर्शन ट्रिम होकर आ जाएगा, केवल पैनोरामा बचेगा। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे फ्राइडे और संडे फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ डीओबी, तो डेट डीओबी इसे पूरे पूरा का पूरा डेट आएगी और वहां से डे नेम निकाल दिया जाएगा कि भाई आपका फ्राइडे है या संडे है या जो भी है। फिर यहाँ है टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम एफ नेम फ्रॉम योर होल नेम, जैसे आपका नाम फर्स्ट नेम फ्रॉम योर होल नेम, तो आपका जैसे नाम है सार्थक तिवारी बल्लू, ऐसे नाम ले रहा हूं, तीन बनाना था इसीलिए। अब इसमें कहा गया टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम, अब ये हो सकता है कि सार्थक इधर हो तिवारी यहां हो, ये भी तो हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे INSTR पूरा नाम लिखेंगे यहां पर, और एफ नेम जो भी आपको जैसे सार्थक निकालना हो पूरा ये लिखेंगे और यहां पर पूरा नाम यहां पर आ जाएगा और सार्थक केवल यहां पर आ जाएगा, तो आपको रिटर्न करेगा किस पोजीशन से आपका जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए सार्थक यहां पर होता ना, तो यहां से वन से पोजीशन गिन लीजिएगा, जो एस की पोजीशन आएगी वही आपका रिटर्न में आ जाएगा। टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स एन1 एंड एन2, तो एन1 एंड एन2 सिंपल है, आपको एन1 एन2 कॉमा लिखिए, यहां पर मॉड कर दीजिए, जो मॉड है फंक्शन वही है इसमें रिमाइंडर का काम करता है। रिमाइंडर का मतलब होता है दो नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा, वही चीज यहां पर आ जाएगी। अब देखिएगा बिल्कुल सेम चीज यहां पर चलेगी, इसमें बस इन्होंने क्योंकि और में जब दिया जाता है तो जो पहला सवाल है और के बाद जो सवाल है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कंसिडर टेबल सेल्समैन, अब यहां पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स हैं आपकी, और आपको राइट दिस एसक्यूएल क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस, तो एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है एसक्यूएल फंक्शन के साथ टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो पहला है डिस्प्ले सेल्समैन नेम, तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट एस नेम, ये एस नेम हो गया सेल्स नेम, ये वाली चीज ये वाली एस नेम। फिर कहा गया है नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको राउंड लिखना है, बोनस करना है, कॉमा 0 दे देना है क्योंकि आपको 0 डेसिमल प्लेस चाहिए, और फ्रॉम लिखना है सेल्समैन क्योंकि सेल्समैन तो आपके टेबल का नाम है, तो ये हमेशा आएगा ये वाला सेल्समैन, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पे आ जाइए, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग टी ए इन सेल्समैन नेम, तो INSTR फंक्शन मैंने आपको बताया था वही करना है, सिलेक्ट INSTR एस नेम करिए, ये पूरा एस नेम को चेक करेगा और उसमें टी ए ढूंढेगा फ्रॉम सेल्समैन, उसकी पोजीशन बताएगा आपको, ये जो है बेसिकली यहां पर आपको केवल नंबर बताएगा ये कि भाई टीए कहाँ आता है, जैसे जैसे अगर हम किसी को ले लें ये कि टीए किसी में आ रहा है ये वाला, तो आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे इसका ऐसे 4 आएगा केवल, रिजल्ट में केवल इतना ही आना है, है ना। उसके बाद है तीसरा देख रहे हैं डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर, तो उसमें तो सीधा मिड लगा दे सकते हैं, और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप मिड लगा सकते हैं, सबस्ट्रिंग लगा सकते हैं, सब एसटीआर लगा सकते हैं, तो यहां पर सिलेक्ट करेंगे मिड, यहां पर आपको सेल्समैन का नाम देना है 2, 4 क्योंकि उन्होंने कहा है कि 4 कैरेक्टर चाहिए, वो ये 4 हो गए, नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर, तो सेकंड से लेकर 4 कैरेक्टर, तो इसमें भी ये करेंगे एस नेम 2, 4 फ्रॉम सेल्समैन। डिस्प्ले द मंथ नेम फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन, तो यहां पर सिलेक्ट मंथ नेम, ये फंक्शन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अंदर डेट ऑफ ज्वाइन देंगे फ्रॉम सेल्समैन। डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीक डे फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन, तो यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे, डे नेम पहले तो आप डेट ऑफ ज्वाइन लेंगे और उससे डे नेम निकाल लेंगे फ्रॉम सेल्समैन।
A company in mega enterprise has four wings of buildings as shown in the diagram. तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका इस तरीके से डायग्राम है और इसका उत्तर भी इसी तरीके से दिया हुआ है इन्होंने, मतलब आंसर में दिया हुआ है जो इन्होंने मार्किंग स्कीम दी हुई है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो आपके अगर मैं इस यहीं पे आपको समझा दूं, देखिए ये विंग थ्री से लेकर विंग वन, इसका डिस्टेंस दिया 50, विंग वन से लेकर विंग टू का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 60, विंग टू से विंग फोर का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका यहां से यहां तक 25, विंग फोर से विंग थ्री का दिया हुआ है यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो आपका दिया है 170, विंग थ्री से विंग टू का डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस आपको दिया है 125, और विंग वन से विंग फोर, मतलब विंग वन से विंग फोर ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको वो डिस्टेंस दिया 90। ओके, अब नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द विंग, तो आप ध्यान रहे जहां भी सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहीं पे हम सर्वर लगाते हैं। तो विंग वन हो गया मतलब यहां से कनेक्टिविटी देनी है आपको, इस पे 150 कंप्यूटर है, और विंग टू पे यहां पर आपके 15 कंप्यूटर है, विंग थ्री पे आपके 15 कंप्यूटर है, यहां पर 25 कंप्यूटर है, राइट। पहला सवाल है कंप्यूटर इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क, कंपनी हैज नॉट डिसाइडेड टू कनेक्ट टू द विंग ऑल्सो, सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबोव कनेक्शन। तो आप क्या करेंगे, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, सबसे बढ़िया स्टार टोपोलॉजी, इसको इससे कनेक्ट करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सर्वर रहेगा हमेशा, क्योंकि 150 है इसमें और यहाँ पर आपने ये स्टार टोपोलॉजी बता दी, तो ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया। दूसरा है ये स्टार टोपोलॉजी यहाँ बताई गई है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन दी विंग्स, खैर ये तो हमने बताई दिया, एक तो हमने जो पहला जो उत्तर है ना ये तो ये हो गया, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके लिए हमने बता दिया स्टार टोपोलॉजी, पहले का उत्तर तो ये हो गया, पहले का उत्तर मैंने ये बताया, इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो इसकी कनेक्टिविटी का क्या होगा, इसकी कनेक्टिविटी इसलिए हमने स्टार कर दिया, मेन से सारे कनेक्टेड हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार हो गया, सेकंड वाले का स्टार हो गया। अब द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, सजेस्ट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहां से जो डिस्टेंसेज आप देख रहे हैं 170 भी है और 25 भी है, तो 25 से 170 तक वैरी हो रहा है, तो बेस्ट ये है कि ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज करें। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि जो आपको डेटा मिल रहा है, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफी अच्छी मिल रही है, तो ब्रॉडबैंड का ही मतलब ये होता है, बैंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेंजेस, और जो ब्रॉड हो गया इसका मतलब आपको अच्छा डेटा ट्रांसफर करने के लिए अच्छा, जैसे पाइप होता है ना, जैसे पानी जा रहा है तो जितना बड़ा पाइप होगा उतना ज्यादा पानी जाएगा, उस हिसाब से बड़ा पाइप है ये, और वो ब्रॉडबैंड हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन ऑफ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक, तो इसमें रिपीटर कहा गया है, हब और स्विच कहा गया है। अब आप देखिए रिपीटर कहाँ की जरूरत पड़ती है, रिपीटर का मतलब यह है कि 100 मीटर से अगर आपका ज्यादा होता है तब आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 100 तो ये 60 है और यहाँ पर हमने ये 90 ले लिया और ये 50 ले लिया, तो हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये तीनों जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया, ये 60, ये मतलब ये 60 है, ये आपका 90 है और ये 50 है, तो डिस्टेंस 100 मीटर से तो कम है, तो रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। रिपीटर आप छोड़ सकते हैं। और दूसरे का है हब एंड स्विच, तो हब एंड स्विच तो आपको जरूर चाहिए होगा, क्योंकि अब हर एक इसमें मल्टीपल कंप्यूटर है ना आपके, इसमें 15 है, इसमें 15 है, यहां पर आपको हब, और मैं तो कहूंगा हब की जगह स्विच लगा लीजिए, क्योंकि स्विच होता है इंटेलिजेंट हब, तो स्विच ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हर एक विंग में चाहिए होगा, वैसे उसका उत्तर ये नहीं पूछा है, हब या स्विच, हब या स्विच उन्होंने बताया है कि हम लगाएंगे, आपको बताना है कहाँ कहाँ लगाना है, तो उसका उत्तर आप देंगे इन एवरी विंग, राइट। अब कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेस इन हिली एरियाज, सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट, तो जैसे न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है वहां से ये हिली एरिया में ऐसे लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑफिस है तो यहाँ पर कैसे आप पहुंचाएंगे, वायर वगैरह लगाना इस तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेटेलाइट भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सबसे बढ़िया है रेडियो वेव्स का यूज कर लीजिए, रेडियो वेव्स ही काम करती है। आप देखते हैं ना कि आप अगर आप एक जगह पे हैं और बहुत दिल्ली से अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए मुजफ्फरनगर में बैठे हैं या फिर देहरादून में बैठे हैं, तो फिर वो रिले करता है, यानी कि आप यहाँ की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स का मतलब ये है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए आप आराम से सुन सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी रेडियो वेव्स बेस्ट है। ओके।